व्यूअर्स, ये सेकंड वीडियो है हमारी आरसी की प्रोग्रामिंग के अंदर। न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, अगर आप पुराना यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं P2 के नाम से इसे सेव करता हूँ, यहाँ ये सेव हो जाएगा। देन एक कंप्लीट स्क्रीन ओपन हो जाएगी, यहाँ पर हम दोबारा से अपना जो है वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम सीख रहे हैं सबसे पहले कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। हम यहाँ पे एज इट इज़ अपनी हेडर फाइल्स को लगाएंगे। हेडर फाइल के बारे में आप जानते हैं, इंक्लूड और कॉनियो डॉट एच होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये चीज़ है कि जो हेडर फाइल्स होती हैं इनके अंदर सारे का सारा जो लाइब्रेरी स्ट्रक्चर होता है, लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं वो सारी के सारी डिफाइन स्टूडियो डॉट एच में हम जाएंगे। इनके अंदर तमाम डेफिनेशंस मौजूद होती हैं इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, और इसी तरह से इनपुट आउटपुट फंक्शन से रिलेवेंट। सो इन्हें हमें ऐड करना ज़रूरी होता है। वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन होता है। वॉइड का मतलब इसकी कोई डाटा टाइप नहीं है, वरना आप कोई डाटा टाइप दे सकते हैं। ये मेन फंक्शन है, यहाँ ये स्टार्ट हो रहा है। अब मैं व्यूअर्स आपको यहाँ पे सेकंड प्रोग्राम के अंदर इन टाइप का एक वेरिएबल ए ले रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू को इनपुट करूँगा। प्रिंट एफ के थ्रू मैं एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, जिस मैसेज के अंदर मैं लिखूँगा एंटर वैल्यू ऑफ ए, ये लिखूँगा। उसके बाद सेमी कॉलन, स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो होता है। स्कैन एफ एक इनपुट फंक्शन है जो कि वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आप किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं लिख सकते। अच्छा व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पे जो इंट था इसका मतलब ये एक इंटीजर टाइप का डाटा है। अब इंटीजर टाइप के डाटा के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंटेज डी होता है। उसके बाद कॉमास के बाहर, डबल कोट्स के बाहर कॉमा आ जाएगा। फिर एम्परसैंड एड्रेस ऑपरेटर होता है जो कि एड्रेस डिफाइन करता है, इनपुट होने वाली वैल्यू का एड्रेस स्टोर करता है। इस तरह से हम एक इनपुट करवा लेते हैं। अब जो वैल्यू हम इनपुट करवा रहे हैं उसी वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। प्रिंट एफ फंक्शन के द्वारा हमेशा हम हर किस्म के डाटा को, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लॉट है, किसी भी टाइप का डाटा हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ए इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर। चूँकि हम वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं या हम प्रिंट करवाते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर को ज़रूर यूज़ करते हैं। और इस तरह से यहाँ पर हम ए दे देंगे, सॉरी ए लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो इनपुट हुई थी वो ए में हुई थी। और इस तरह से ये सर्टेड इंटरमीटर सेंड हो गया। गेट सी है जो कि आपको कंसोल पर आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो लिख लिया। और देन ये हमारे पास क्लोज हो गई। अभी अब हम इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से बोले सक्सेसफुल कंपाइल हो गया है। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। देन जी ये रन भी हो गया। वैल्यू ऑफ ए इज़ 23 और ए इज़ 23 यानी कि ऊपर हमने इनपुट किया था, नीचे वही प्रिंट हुआ था। तो व्यूअर्स, ये हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने प्रिंट एफ को यूज़ किया, स्कैन एफ को यूज़ किया, वैल्यू को इनपुट करवाते हुए वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो ये एक बेसिक सा प्रोग्राम, तो होप सो आप इस बेसिक प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। बाकी मज़ीद जो प्रोग्राम्स आप चाह रहे हैं मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम सी की कंप्लीट सीरीज़ को यहाँ कंप्लीट करेंगे, जिससे 10th क्लास के और सेकेंडरी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक।